ये दीन मुझे नवकालीन से चलकर नहीं मिला मेरे को, ये दीन मुझे मिला तो बदर हुनैन से मिला। तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लू नफ्सु ज़ाकतुल मौत। सफर देख गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बागड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनेद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया घात पीटा से। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को ये दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला मेरे को, ये दीन मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला मेरे को, ये दीन मुझे नवकालीन से चलकर नहीं मिला मेरे को, ये दीन मुझे मिला तो बदर हुनैन से मिला, ये दीन मुझे मिला तो अहद से मिला, ये दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास और अकबरगार का खून है जालिमों, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देंगे, अगर तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम क्या मार देंगे, मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लू नफ्सु ज़ाकतुल मौत, और मैं शैतानी ताकतों से कह रहा हूं देखो मैं मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात की आवाज तुम जानो, फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे पास भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, मोमिन फना नहीं होता, मोमिन फना नहीं होता। अब कैसे नहीं होता, मौत क्या है, जिंदगी और मौत एक हकीकत है ना, जिंदगी और मौत के दरमियान में खिजाब है। तो एक घर से दूसरे घर को जाएंगे आप तो फना कैसे हो, एक घर से दूसरे घर को जा रहे हैं तो हम तो फना कैसे हो, तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगे, हम फना नहीं होंगे। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते हैं। मुस्तदराक हदीस की मशहूर किताब उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला कहते कि आखिरत की जिंदगी की तैयारी करो, मोमिन फना नहीं होता, एक घर से दूसरे घर को जाता, एक घर से दूसरे घर को जाता। तो मौत, मौत से डरना नहीं है, मगर डरना इस बात से कि मौत के बाद क्या होगा, जब खबर में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, जब पूछा जाएगा, जब तुमसे और हमसे पूछा जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला जब हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक दिखा जाएगा तो हम खुदा कर कहेंगे मेरे आका है इंशाअल्लाह, मैं इनका उम्मत हूं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल हो सकते, मारना है मारो, क्या करना है करो, तुम जहर देके मारे हो शहीद हो गए, तुम जहर देके मारे हो शहीद हो गए, तुम दो फीट के घर से गोली मारे हो शहीद हो गए। और शहीद तो खुदा अल्लाह बोला इनको मुर्दा मत कहो, तुम जब मरोगे तुम मुर्दा हो गए इंशाअल्लाह, तुम जब मरोगे तुम मुर्दा हो गए, मैं मुर्दा नहीं रहूंगा, मैं मोने हूं घर तब्दील करूंगा। किसी एक शायर ने एक अच्छा शेर कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। किसी एक आशिक रसूल ने बड़ा अच्छा कहा मौत खबर के बारे में, कफन के बारे में। अब